दो नंबर की लेन, यहाँ पे एक वाटर टैंक यहाँ पे बनाई गई है, जो पानी की बॉडी होती है यहाँ पे इस पत्थर में उसे तराशा गया है, पीने के लिए ये पानी बनाया, टैंक बनाया गया है। आप देख सकते हो ये दोनों, ये है तीन नंबर की लेन, यहाँ पे एक स्तूप बनाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो स्तूप है ये किसने दान किया होगा, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आप स्तूप के चारों ओर से गोल प्रदक्षिणा यहाँ पे लगा सकते हो। पहले के ज़माने में इसी प्रकार से स्तूप के बाजू से यहाँ पे प्रदक्षिणा की जाती थी, जो अरहंत भिक्षु थे उनके लिए ये स्तूप बनाए जाते थे। चार नंबर की लेवी यहाँ पे दोबारा हम देखते हैं, यहाँ पे और एक वाटर टैंक यहाँ पे बनाई गई, आप देख सकते हो यहाँ पे सुरक्षा के लिए जाली भी यहाँ पे लगाई गई है। पीने का पानी पत्थर में ही तराशा गया है। और ये चौथे नंबर की जो टैंक है वो भी पानी का कुआ यहाँ पे बनाया गया है। लोग यहाँ पे आते थे तो पीने के लिए पानी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे पानी बनाया गया है। और ये ब्रह्म लिपि में दोबारा एक बार यहाँ पे जिन किस व्यक्ति ने यहाँ पे दान किया होगा उनका नाम वहाँ पे लिखा है। हम आते हैं अब चैत्य हॉल में, चैत्य ग्रह, यह है चैत्य ग्रह, आप देख सकते हो इसे पत्थर में यहाँ पे तराशा गया है। यहाँ से दो जो विशाल स्तंभ है यहाँ से दिखाई देते हैं। जैसे ही आप भीतर जाते हो तो पिंपलाकृति का जो डिजाइन है सामने यहाँ पे दिखाई देता है, और स्तंभ के ऊपर एक अष्टकोणी स्तंभ है, और जो अशोक पिलर होते हैं उसी प्रकार का ये स्तंभ बनाया गया है। ये पेरिस जो है उनकी लगभग उनसे मिलते ये स्ट्रक्चर है। सामने जो आपको दिखाई दे रही जो दीवार है वहाँ पे पिंपलाकृति और बहुत सारी यहाँ पे नक्शी कलाएँ यहाँ पे बनाई गई है, अति उत्तम, बहुत सुंदर। आपको कुल मिला के चार स्तंभ यहाँ पे दिखाई देते हैं, इन चारों स्तंभों के ऊपर अलग अलग डिजाइंस हैं। और शुरुआत में ही लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे गुफाएं बनाने की कोशिश की गई थी, मतलब टेस्ट, जहाँ पे पत्थर को टेस्ट किया जाता था। आप देख सकते हो कि घोड़े के ऊपर स्त्री और पुरुष वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे घोड़ा और बैल के चिन्ह है, और इस स्तंभ के ऊपर बैल और घोड़ा, स्त्री और पुरुष दोनों भी अलग अलग अपने वाहनों पर बैठे हुए।